हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से मैंने कोई वीडियो आपके साथ शेयर नहीं की थी। तो इंस्टा पे काफ़ी फ्रेंड्स भी मुझे पूछ रहे थे कि आप कहाँ बिजी हो, आपकी कोई वीडियो क्यों नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स, सोचा कि चलो आपके साथ कुछ शेयर किया जाए, लेकिन क्या शेयर करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो एक्चुअली कल इवनिंग ना मैंने बनाई थी एक रेसिपी, यानी एक स्नैक्स है वो, तो उसी को मैंने रिकॉर्ड कर लिया। सोचा कि क्यों ना इसी को आपके साथ मैं शेयर करूं। तो चलो देखते हैं कि मैंने क्या बनाया था, और ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने बनाई थी एक नमकीन, तो उसका नाम है चंपा कली। तो वो मैदे से बनती है, और ये देखिए मैंने मैदा लिया था और उसमें थोड़ा सा क्रश करके मैंने डाला था अजवाइन और थोड़ा सा नमक डाल दिया। फिर मैंने उसमें डाला घी और वनस्पति घी, दोनों भी सेम क्वांटिटी में मिक्स करके गरम करके मैंने इसमें मिक्स कर दिया। तो ये गरम था तो थोड़ा सा हाथ में भी लग रहा था, तो गरम गरम ही मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था। बस इसे अच्छे से मिक्स करके पानी के साथ इसे अच्छे से एक डो बना लेना है, और फिर इसे रेस्ट करने के लिए रख देना है। तो बस जब इसका डो रेडी हो जाए तो हमें 15-20 मिनट या आधे घंटे के लिए इसे रेस्ट करने के लिए रख देना है। और जब ये अच्छे से रेस्ट कर ले तो उसके बाद में हमें इसे छोटी छोटी लोइयां बनाकर इसे बेल लेना है। और इसे अच्छे से बेलने के बाद ये कुछ इस तरीके से हमें इसे कट करना है, सीधे लाइन में इसे कट करना है लास्ट तक। जब ये कट हो जाए तो इसे हमें दोनों साइड से हाफ हाफ तक इसे फोल्ड कर लेना है, कुछ इस तरीके से। ये देखिए इसका शेप कुछ इस तरीके का है। तो इसी तरीके से हम दूसरे भी जो है चंपा कली रेडी कर लेंगे। तो बाकी की भी हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे, और इसे फिर ऑयल में फ्राई कर लेंगे। बस बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है ये। तो ये देखिए अभी यहाँ पर फ्राई हो रही है हमारी चंपा कली, और ये बहुत क्रिस्पी और खाने में बहुत टेस्टी होती है। तो एनी टाइम स्नैक्स के लिए ये एकदम परफेक्ट है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसे ना बहुत दिन तक हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो कुछ जो है मैंने चंपा कली बनाई थी, और कुछ जो है दूसरे शेप में मैंने बना के रखी थी। तो ऐसे हम बना के रख देते हैं घर में, तो ये कुछ इस तरीके के शेप, जैसे चाहे वैसे शेप में आप इसे कट करके इसे फ्राई करके रख सकते हैं। क्योंकि हम अक्सर ना इसका चाट बनाते हैं, तो ये देखिए हम चाट बना रहे हैं। तो इसमें ये दही है, दही में मैंने डाला मिर्च पाउडर, नमक, उसके बाद मैंने इसमें डाला है चाट मसाला। तो ये देखिए ये है चाट मसाला, तो इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कितना भी डाल सकते हैं। ये सारा हमें दही में मिक्स कर लेना है, और उसके बाद ये थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ इसमें ब्लैक साल्ट फ्लेवर के लिए। तो बस इसे मिक्स कर देंगे, तो मिक्स करके इसे इस दही को अलग से रख देंगे। तो ये हम अक्सर घर में बनाते रहते, जब भी चाट खाने का मन करता है तो घर में ही चाट रेडी कर देते हैं। और ये देखिए ये कुछ जो है नमकीन मैंने रख दी हुई इसमें, और इसमें डाला है प्याज ऊपर से, और फिर उसमें जो है छोटे छोटे पीसेस में हमें टमाटर काट लेने हैं। और ये देखिए उसके बाद हमें टमाटर भी इसके ऊपर स्प्रेड कर देने हैं, और जो दही हमने रेडी करके रखा था तो फिर फाइनली हम इसके ऊपर डाल देंगे उसे भी। तो आप जैसे खाना पसंद करते हैं वैसे कम या ज़्यादा क्वांटिटी में दही आप इसमें डाल सकते हैं, और ऊपर से आप कुछ भी सेव हो आपके पास में तो वैसे सेव वगैरह डालकर आप खा सकते हैं, और अनारदाना वगैरह जो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसके ऊपर डालकर आप खा सकते हैं। तो इस तरीके की नमकीन अगर आप घर में बनाकर रख देते हैं तो एज अ नमकीन भी आप इसे जब चाहे तब निकाल कर खा सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी दिन तक स्टोर की जा सकती है। और जब भी आपका चाट खाने का मन करे तो एज अ चाट भी आप इसे बनाकर खा सकते हैं। तो कैसी लगी ये मेरी रेसिपी, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा नेचर ब्यूटी रियल ब्लॉग को। तो जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।